ये देखिए, ओए होए 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 होए, चेक करें कितना चीज़ी है ये। इस रिचनेस की वजह से हमारी शाही हांडी अल्हम्दुलिल्लाह फेमस है। आप जैसे भी देख सकते हैं, निवाले निवाले में आपको ये चीज़ मिलेगी, मज़ा आ गया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपने स्टोव क्लब की आपको एक फेमस डिश का रिव्यू कराने वाले हैं, उसका नाम है शाही हांडी। शाही हांडी बेसिकली हमारी जो है एक बहुत ही पायनियर आइटम है। जब हमने अपना रेस्टोरेंट ओपन स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और मैं आपके साथ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हांडी है ये आपको पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान या कराची किसी शहर में किसी मुल्क में नहीं मिलेगी आपको ये, क्योंकि हमने इसको खुद ही, इसके मसाले खुद बनाए थे और इसको हमने खुद ही इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, चिकन इसके अंदर डल गई है। चिकन इसके अंदर बोनलेस होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बोनलेस का पीस कट के इसके अंदर डलते हैं। ये अब इसको फ्राई किया जा रहा है। अब आपके सामने हम थोड़े से अपने वेजिटेबल्स के अंदर ऐड करेंगे। ये आ गई मिर्ची, आ गई हैं, क्योंकि इस शाही हांडी का जो एक बिहेवियर है वो होता है स्पाइसी, जब इसके अंदर चिली डली जाती हैं। और अब डाले आ रहे हैं टमाटर। अब इस टमाटर को इसी के साथ भुनाई होगी और यही अपना कलर अपना रेड कर देंगे, जिस वजह से शाही हांडी हमारी रेड होती है। और वो तो आपने सुना होगा कि लाल है, लाल है शाही हांडी, लाल है। अच्छा जी, अब थोड़ी देर के लिए, जैसे भी आप देख रहे हैं, मैंने पानी डाला हुआ है, पानी ऐड किया है, इससे जो है अपना टमाटर अपना छिलका छोड़ेगा और चिकन हमारी अच्छी से बॉयल हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर कर देंगे। अच्छा जी, काफ़ी देर बाद हमने इसका जो है वो कैप रिमूव कर दिया है, और जैसे कि देखिए अब जो है टमाटर ने अपना छिलका छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये एक एक करके इसको हम पूरे उसके छिलके हटा देंगे, जिसकी वजह से शाही हांडी के अंदर हमारे छिलके नहीं दिखेंगे आपको, और इससे हमारे कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं यार, कि बाकी अगर टमाटर के पेस्ट वाली हांडी है तो उसके टमाटर के छिलके गए, और यही इसकी शान और उसकी कमाल होता है कि टमाटर के पेस्ट होने के बावजूद, टमाटर के होने के बावजूद टमाटर के छिलके इसके अंदर नहीं होते। अब इसको अच्छी तरह ये फेंटेंगे भाई, कि जिसकी वजह से टमाटर का सारा पेस्ट इसके सालन के साथ और इस गरीबी के साथ पूरा उसमें मिल जाएगा, और एक एक करके इस टमाटर को कूट दिया जाएगा, कि जिस तरह इससे बदला लिया जा रहा है कोई। अब हमारे शाही हांडी के अंदर स्पाइसेस हमारे ऐड हो रहे हैं, ये काफ़ी तीन चार किस्म के इसके अंदर मसाले जात जो हमने ऐड करके डाले, वो मैं बिल्कुल भी डिस्क्लोज करने वाला नहीं हूँ, वरना कोई दूसरा बना लेगा। तो अब फाइनली हमारे सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो गए हैं, और हमारा एक अच्छा खासा पेस्ट शाही हांडी का तैयार हो गया है। मैं आपको दोबारा ये बात कहता चलूँ कि हमारी शाही हांडी आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पायनियर हम हैं इस शाही हांडी के, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके पीछे भी हमारी एक बड़ी एक स्टोरी थी शाही हांडी के पीछे। हम जब अपना रेस्टोरेंट ओपन करने आ रहे थे, हमारे पास देशी पनीर हांडी के अलावा कोई दूसरी डिश थी नहीं, तो दूसरी डिश को हेल्पिंग डिश के लिए हमने शाही हांडी घर में बैठ के याद करी थी। हमने कहा दो तीन मसाले ऐड कर, हमने कहा शाही एक हांडी बन गई है। इसका नाम भी हमने घर में बैठ के शाही हांडी रखा था, जो कि माशाल्लाह इतनी वायरल हो गई है। अब ये क्रीम का वक्त आने जा रहा है, और इस क्रीम को ऐड करते ही शाही हांडी अपनी शक्ल में आ जाएगी। अब आपके सामने पूरी क्रीम डाल दी गई है। इस ये क्रीम हमारे इस पेस्ट के साथ जब मिक्स होगी, इसका एक अलग ही लजीज और एक एक्सट्रीम किस्म का, एक यमी किस्म का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, और जो शाही हांडी की शक्ल में तैयार हो जाएगा। अब आप जैसे कि देख रहे हैं, ये हांडी जो है वाइट क्रीम की जगह वो रेड क्रीम सी, क्रीमी सी हो गई है। अच्छा जी, शाही हांडी में हम थोड़ी सी गार्निशिंग करने जा रहे हैं, जिससे हमारी शाही हांडी कम्प्लीट हो जाएगी। ये कुछ अदरक के पीस हैं और ये धनिया वगैरह है, और ये आ गई वो चीज़ जिससे हांडी हमारी काफ़ी अट्रैक्ट करती है, जो कि है चीज़ स्लाइस। ये हम एज अ टॉपिंग पे डाल के देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। अब हमारी शाही हांडी हमारे कस्टमर्स के लिए तैयार है। ओके जी, अच्छा जी, ये हमारी शाही हांडी अब खाने के लिए तैयार है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये टॉपिंग जो हुई हुई है, ये वही चीज़ की टॉपिंग है जो भी आपको मैंने दिखाई थी। अब आपको मैं इसका एक निवाला आपके सामने ले लेता हूँ। ये देखिए, ये जो चीज़ का जो मज़ा है ना, जो उसकी टॉपिंग का है, वो इसके साथ आता है। ये देखिए, इस वजह से ये शाही हांडी है हमारी चीज़ वाली। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहरुख गुगवा, आई एम ओनर ऑफ स्टोव क्लब। और आज जिसका हमने रिव्यू दिखाया उसका नाम था शाही हांडी। और अगर आप मुझसे लोकेशन पूछें हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अगर आप नीपा से जस्ट स्ट्रेट आ रहे हैं तो कॉर्नर पे इब्ने सीना हॉस्पिटल आता है, और इब्ने सीना हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में लेफ्ट साइड पे रोड टर्न हो रहा है, तो हमारा स्टोव क्लब आपको दिख जाएगा। और स्पेशल आइटम्स हमारे पास शाही हांडी के अलावा हैं, उनमें से देशी पनीर हांडी हमारी मोस्ट फेवरेट आइटम है, जो बड़ी खाई जाती है स्टोव क्लब की। और डिफरेंट किस्म के राइस प्लेटर हैं, जैसे एक पटाखा प्लेटर है हमारा, एक क्लासिक प्लेटर है, और काफ़ी बारबेक्यू आइटम्स यूनिक यूनिक हैं हमारे पास। तो आप ज़रूर आएँ हमारे पास और हमारे आइटम ट्राई कीजिए। थैंक यू।